अस्सलाम वालेकुम जी मेरे देखने सुनने वाले सोने भैन भ्राओ अपनी इनको दे प्लेटफॉर्म तो साढ़ा मेज़बान अब्दुल वहीद बिस्मिल अपना हफ्तावार प्रोग्राम इनको मुहावरे ते कहावतां के इनके साड़ी खिदमत में हाजिर है। ते अज फिर वारी आती है टेढ़े की। हाँ जी तुसें पता है टेढ़ भूमि मतलब चंगा होंगे तो टेढ़े नाल जुड़ी दी जिहड़ियां कहावतां या मुहावरे हैं अज असीं तुसें दी खिदमत पेश करने हैं। ते पहली कहावत है टेढ़े न पियां रोटियां ते सबे गलां खोटियां। हाँ टेढ़े न पियां रोटियां ते सबे गलां खोटियां ये असीं किहड़े वेले बोलते हैं ये तुसीं सारे समझदे हो कि जदों कोई बंदा काम करता रहे तो असां तवक्को होंदी है असां उम्मीद होंदी है कि उसके कमां की उजरत जिहड़ी है वह असां टाइम नाल मिलसी ते सोहणी मिलसी। ते अगर कोई बंदा काम करावे इसके बावजूद उसकी उजरत टाइम ते न देवे तो फिर वो मतलब इन्हें उसने बोला चलता वो यार काम तो किया पर हूँ मतलब गल के किसी आखिया जी पेट न पिया रोटियां तो सबे गलां खोटियां ढिड़ न पिया रोटियां तो सबे गलां खोटियां यानी असा उस बदमजगी शुरू हो जुलती है तो फिर उस गला का मज़ा नहीं रहा। इसके दुए माने ये भी हैं कि अपना पेट अपना मतलब जो मुफाद है वह बंदे ज़्यादा अजीज होंगे जी। अच्छा तो याद दिला छोड़ा ना कदे तुसा अपनी इनको दे चैनल हले तक सबसक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किते दा तो जरा जल्दी जल्दी करके ना ठीक है चंगा होंगे ना। अच्छा तो दूई कहावत है जी टेढ़े कोलो जनू दूर आंदे ये मुहावरे के तौर पर भी बोलते हैं तो कहावत के तौर पर भी बोलते हैं दो चीज़ा इस पर शामिल हैं टेढ़े कोलो जनू दूर आने ये असल में रिश्तों के हवाले नाल मतलब गलबात की जरूरी है कि टेढ़े कोलो जनू दूर आने यानी जोड़े रिश्ते अपनी एक नस्ल तो अगली नस्ल या उस तो अगली नस्ल के जोड़े रिश्तेदार होने उन्होंने बारे में बोलिया जरूरत है कि भाई ज़्यादा अजीज जो है ना वो अपना पहला जरा रिश्ता होंगे मसलन बेटे बेटियां जीडिया ज़्यादा अजीज होनी है इसकी नस्बत फिर पोते पोतियां या मतलब नवासे नवासियां वो अगे चले जुलते हैं इस तरह नाल ये बोले जुलते हैं कि टिड़े को जनू दूर होने। अच्छा फिर एक मुहावरा है जी आपने टिड़ो जीना ये असं कदों बोलते हैं कि जदों मतलब बंदा अपने मुफाद दर देता है ना तो दुए की कोई गलबात होती है तो उस आदमी आता हो यार आपने टिड़ो जीने यानी कि मेरा कोई फायदा है इस कमों में इस गला में मेरा अपना कोई फायदा है तो फिर तो ठीक है तो अगर किसी दुए का ही फायदा है मेरा उस में कोई मतलब ना नहीं फायदा तो मैं क्यों खाऊँ खा अपनी जान उलाँ अपने वास्ते मतलब ना अपना टाइम भी देव परेशानी भी पैदा करा तो फायदा भी कुछ ना हो जी आपने टिड़ो जीना। अच्छा एक और कहावत है जी कि कार पराया पर ढिड अपना ये बड़ी मज़े की गल है ये असी अमूमन उस वेले बोलते हैं जदों कोई बहुत ज़्यादा बंदा पेटू खान जिस ना आते मुझ ज़्यादा खाने का आदि होवे खाऊ ही होवे ते वो लगे रहे खाने पीने दे ते बाद में फिर या फूड पॉइजनिंग हो जुले ते या कुछ और मतलब तकलीफ हो जुले ते फिर उस डॉक्टर को जुलना पवे दवाइया घिनिया पवन तो उस वे असं आते हैं और ख्याल करो यार आखते हैं घर पर आया पर ढेड तो आपड़ा ना यानी एहतियात के मन में इस्तेमाल होती है जी। तो फिर एक और मुहावरा है जी ढेडे का लुक आना। अच्छा ये मुहावरे और भी हैं इस तरह के कन्ना का लुक आना ढेडे का लुक आना दोनों का मुख्तलिफ सूरत हाल है। कन्ना का लुक आना यानी हरी की गल सुन के ना बगैर तहकीक तो जड़ी गल किसी की वो ही सुन के दी तो सच्ची समझ के दी तो ढेडे का लुक आना कि जिस कोई गल अड़ी ना हो मतलब इन्हें बंदा राज ना रखता हो जरा तुम उस गल करो तो फौरन चुल के दुए के कन्ना मतलब आ छोड़े तो सारे छोड़ो यार टिड़े दल लोग क्यों। अच्छा तो एक और कहावत है जी तो आखिरी कहावत है ढिड मरे भुखा तो मूँह सोले गावे ये असं कदों बोलते हैं ये आम तौर पर शादी ब्याह के जो तकरीबा होनी है जो मतलब ना मामलात होने उस बिच मतलब ना ये बोलियां जुलदियां सोले भी तुसें पता है कि शादी दे मतलब तौर पर अमूमन मतलब बोलते हैं सोले गाना वैसे तारीफ के हमाने में भी इस्तेमाल होता है मुहावरा भी है किला दा कि मैं तेरे सोले गाना तो तू मेरा के प्या करने ठीक है ये सोले गाना तारीफ करने के माने में भी है तो नाल मतलब ना जो शादी बिच सोहे गाए जुलते अपने दूल्हा मियाँ जो होने शुआला जिस अस आते हैं शुआले की तारीफ भी सोहले तो ढेड़ मरे भुखा यानी बाज जी जाइया होनी जो रोटी देर हो जुलती है ना खाने पीने तो उसने मतलब ना फिर बोला जुलता है वो यार गल की है किसी आखे ही ढेड़ मरे भुखा तो मूँह सोहले गावे यानी वो फिर बंदे हैं शादी कराने वाले जो लोग होने घर के जो बंदे होने उन्हें फिक्र पै जुलती है कि रे जी हूँ तो कन्ना तक गल्ला लगदी हैं तो फिर वो खाने पीने में इंतजाम में जल्दी करते जी। तो इसी के नाल अज की
ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਇਫਤਤਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲਾ।